वजीर आजम आजाद कश्मीर ना अहल करार, मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट ने ओहदे से हटा दिया, असेंबली रुकनियत से भी फारग कर दिया गया। तनवीर इलियास ने तकरीर में धमकी आमेज लहजा इख्तियार किया। अदलिया की तौहीन और वकार मजरूह करने पर गैर मशरूत मुआफी मुस्तरद की जाती है, फुल कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। अदालत का नए वजीर आजम के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर से भी नाअहली बरकरार, तहरीरी जवाब के लिए 2 हफ्ते की मोहलत। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के बाद की सूरत हाल पर गौर। पीटीआई आजाद कश्मीर की पार्लियामानी पार्टी का इजलास कल जमान पार्क लाहौर में तलब। इमरान खान सदारत करेंगे। नए वजीर आजम के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर और कानूनी मामलात पर मुशावरत की जाएगी। रेड लाइन गुजर गई। वफाकी हुकूमत ने पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए के फंड्स फराहम नहीं किए। इलेक्शन कमीशन ने सरबमोहर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। निगरान सूबाई हुकूमत सिक्योरिटी के लिए सिर्फ 75,000 अहलकारों की फराहमी पर रजामंद। 3 लाख नफरी की कमी है। रिपोर्ट का मतन। कि 2023 के जो इंतखाबात हैं वो 2018 की तरह नहीं होने चाहिए। 2023 के इंतखाबात इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हर तरीके से साफ, शफाफ और गैर आइनी मुदाखलत से पाक हों। उनमें सब सियासी जमातों को बराबरी का मौका मिले और एक ऐसा इंतखाब हो जिसमें सही मानों में अवाम की राय से ही मरकज में और चारों सूबों में हुकूमतें कायम हों। 2023 के इंतखाबात 2018 की तरह नहीं होने चाहिए। अगर पंजाब में इलेक्शन पहले हो जाते हैं तो आम इंतखाबात पर गहरा असर पड़ेगा। सेनेट में बैक वक्त इंतखाबात के करारदाद पास होना मायने रखता है। आईन भी कहता है चारों सूबों को साथ लेकर चलना है। पूरी कोशिश है जनरल इलेक्शन गैर आइनी मुदाखलत से पाक हों। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तसादुम और इंतकाम के बजाय मफाहमत और तावुन नई सियासत की अलामत। मखलूत हुकूमत के वजीर आजम की हैसियत से हल्फ उठाने का 1 साल मुकम्मल हो गया। ये वक्त चैलेंजेस और मुश्किलात से भरपूर था। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद का वोट गैर मामूली था। सियासी जमातें पार्लियामेंट के फोरम पर मुत्तहिद हुई। पीटीआई दौर में इक्तसादी बारूदी सुरंगें बिछाई गईं। इत्तेहादी हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। रुकावटों के बावजूद मईशत बहाली की जानिब रवा दवा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट। मैं शहबाज शरीफ से कहता हूं पाकिस्तान के बहरानों का वाहिद हल यह है कि आप फौरी इस्तीफा दें और मुल्क में आम इंतखाबात की राह हमवार करें। आपका इस्तीफा ही पाकिस्तान के बहरानों का हल है। आप वैसे ही चंद दिनों के मेहमान हैं, कोई ग्रेस शो करें, कुर्सी से ना चिमटे रहें। कल का दिन पार्लियामान में जो तकरीरें हुई उन तकरीरों में जो सुप्रीम कोर्ट की बेतौकीरी की गई, जिस तरह से पाकिस्तान के आइन का मजाक उड़ाया गया, वो शायद ही दुनिया में कभी किसी और पार्लियामेंट में ये वाक्या हुआ हो। वज़ीर आज़म का इस्तीफा ही तमाम बहरानों का हल। शहबाज शरीफ कुर्सी से ना चिमटे रहें, ओहदा छोड़ें और आम इंतखाबात की राह हमवार करें। इनका इक्तदार अब चंद दिन का मेहमान रह गया। 1 साल तारीख दौर में आयन और इंसानी हकूक दफन हो गए। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का हो या पाकिस्तान का, अदालती फैसलों का एहतराम सब पर लाजिम है। उम्मीद है शहबाज शरीफ सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के फैसले से सबक हासिल करेंगे। पीटीआई रहनुमा का ट्वीट। अप्रैल 2022 के बाद मफाहमत और तावुन पर मबनी सियासत का बयान मुज़हिका खेज। लगता है वजीर आजम ने कोई ख्वाब देखा है या किसी यूरोपी मुल्क के बारे में तबसरा कर रहे हैं। असद उमर का रद्द अमल।
पार्लियामेंट में गैर आईनी बिल की मंजूरी, जमहूरियत की नफी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद हुकूमत ने फंड्स जारी ना करके तौहीन अदालत की। आवाम आईन और अदलिया के तहफ्फुज़ के लिए सड़कों पर आने के लिए तैयार। शहबाज शरीफ की ना अहली अब नविश्ता दीवार है। चौधरी परवेज इलाही की पाकिस्तानी नयाद अमरीकी बिजनेसमैन ताहिर जावेद से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख ना देने के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। पेशावर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर। हुकूमत हीले बहानों से इलेक्शन मुलतवी कर रही है। पीटीआई का वाहिद मुतालबा साफ और शफाफ इंतखाबात हैं। जल्द वजीर आजम और काबीना के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस भी दायर करेंगे। मुश्ताक गनी का ऐलान। वज़ीर आज़म का दौरा लाहौर और फैसलाबाद। आवाम को मुफ्त आटे की फराहमी का जायजा। शहबाज शरीफ की मौके पर मौजूद शहरियों से बातचीत। मुश्किलात और मसाइल दरियाफ्त किए। मुस्तकीन को अपने हाथ से आटे के थैले भी दिए। फवाद चौधरी को जाली दस्तखत का इल्जाम लगाते हुए शर्म आनी चाहिए थी। हमारे दस्तखत भी असली हैं, हमारी हुकूमत भी असली है, हमारा कॉज भी असली है। आपके दस्तखत भी जाली हैं, आपका लीडर भी जाली है, आपका कॉज भी जाली। आइन में तब्दीली। पार्लियामेंट का इख्तियार है, अदलिया इसमें मुदाखलत ना करे। सदर दस्तखत करें या ना करें, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 10 रोज के बाद कानून बन जाएगा। मुल्क में अदलो इंसाफ की बालादस्ती चाहते हैं। वजीर आजम के मुआवने खसूसी अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अता तारड़ शरीफ खानदान की लूटमार नहीं छुपा सकते। पीडीएम हुकूमत ने एक साल में मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। शदीद महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। तहरीक इंसाफ करप्ट टोले को भागने नहीं देगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद की मुख्तलिफ अजला के पार्टी रहनुमाओं से बातचीत। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। वकील मोहम्मद शाफे और सईद आफताब की जानिब से दरख्वास्तें दायर। अदालती इस्लाहात का बिल गैर आईनी है, कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त गुजार की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को गोल्डन जुबली तकरीब में शिरकत की दावत दी गई थी। यकीन दहानी कराई गई थी कि सिर्फ आइन पर बात होगी। अदलिया के एक फर्द की इज्जत अफजाई के लिए मुझे दरमियान में बिठाया गया। कुर्सी का इंतखाब खुद नहीं किया था। हैरत है कि बाज़ लोगों को एतराज है कि मैं बैठा कहाँ था। पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत के हवाले से जस्टिस काजी फायजीसा का वजाहती बयान। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस काजी फायजीसा की मुलाकात। अहम उमूर पर तफसीली बातचीत। जस्टिस काजी फायजीसा का वजाहती बयान भी चीफ जस्टिस की मुशावरत से जारी हुआ। इलेक्शन कमीशन की तोशाखाना केस की जल्द समाअत मुकर्रर करने की दरख्वास्त खारिज। इमरान खान की जानिब से ख्वाजा हारिस इस्लामाबाद की सेशन अदालत में पेश। जल्द समाअत की कोशिश करना केस में मुदाखलत के मुतरादिफ है। ईसीपी पर सियासी असर व रसूख नजर नहीं आना चाहिए। जब जरूरत हुई पीटीआई चेयरमैन अदालत पेश हो जाएंगे। ख्वाजा हारिस का मौकफ। तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत 29 अप्रैल को होगी। कलअदम टीटीपी रहनुमाओं की पाकिस्तान में दोबारा आबादकारी। इमरान खान की हिकमत अमली थी जो नाकाम हो गई। कलअदम टीटीपी आज भी पाकिस्तान के खिलाफ हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रही है। अफगान हुकाम सिलसिला रोकने में कामयाब नहीं हुए। अफगान तालिबान कलअदम तंजीम से फासला इख्तियार कर रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू।
मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास का मंसूबा, पाकिस्तान का शदीद एहतजाज, गैर जिम्मेदाराना भारतीय इकदाम, सलामती काउंसिल की करारदादों और चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी, मकबूजा वादी बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़े है, भारत अपने गैर कानूनी कब्जे को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है, ऐसे इकदाम जम्मू कश्मीर की हकीकत को छुपा नहीं सकते, तर्जुमान दफ्तर खारिजा का रद्द अमल। आर्मी चीफ का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा, मुख्तलिफ शोबों का मुआयना, सिपा सालार को इदारे की फनी सलाहियतों के हवाले से ब्रीफिंग, जनरल आसिम मुनीर का अहलकारों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार, दिफाई पैदावार बरामदात और मईशत के हवाले से HIT का किरदार, इंतहाई अहम करार। आम दुश्मनों के खात्मे कमीशन, सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला बनू में ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक, भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद, मकामी अफराद का वतन के मुहाफिजों को खराज तहसीन। दहशतगर्दी का मरकज समझा जाने वाला शिमाली वजीरिस्तान आज अमन और तरक्की की राह पर गामजन, कयाम अमन के बाद गुलाम खान बॉर्डर मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुका, मयारी मवासलाती निजाम और नहरों का जाल भी तरक्की की शाहराह पर एक बड़ी पेशरफ, पाक फौज और सिविल इंतजामिया ने अरबों रुपए के बेशुमार मंसूबे पाया तकमील तक पहुंचाए, वो दिन दूर नहीं जब शिमाली वजीरिस्तान का बच्चा बच्चा तरक्की और खुशहाली के गुन गाएगा। रहीम यार खान में कच्चे के इलाके में तीसरे रोज भी ग्रैंड ऑपरेशन, पुलिस के ताजा दम दस्तों की पेशकदमी, माची गैंग के 2 डाकू मारे गए, मुजरिमान की कमीन गाहें मिसमार, सामान नजरे आतिश, सैकड़ों एकड़ पर मुश्तमिल अंदरून कच्चे का रकबा सर्च ऑपरेशन के बाद क्लियर कर दिया गया। महंगाई मुकर्रा हद से भी ज्यादा, रवा माली साल GDP ग्रोथ 0.5% रहने की पेशगोई, बेरोजगारी की शरह 7% तक पहुंच जाएगी, अगले माली साल मुल्क की मईशत में बेहतरी का इम्कान है, IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे का नतीजा, सोना मजीद 600 रुपए महंगा, मुल्क में फी तोला नर्ख 2,18,300 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। मरियम नवाज उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंच गई, शौहर बेटा और बेटियां भी साथ, लीगी रहनुमा सऊदी अरब ने अपने वालिद नवाज शरीफ के साथ शाही कयादत से भी मुलाकात करेगी। रहमतें और बरकतें समेटने का अशरा, रमजान के आखिरी 10 रोज में शब कदर की जस्तजू, मुल्क भर में लाखों मुसलमान एतकाफ बैठ गए, दरबार बादशाही मस्जिद और दीगर मकामात खुसूसी इंतजामात। ईद उल फितर कब होगी, शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हलाल कमेटी का इजलास 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में तलब, मौलाना अब्दुल खबीर आजाद सदारत करेंगे, जोनल कमेटियों के इजलास मुकर्रा मकामात पर होंगे।